गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत स्पेशल साबूदाना नमकीन रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए हमने एक पैन ली है, तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल डालेंगे। 50 ग्राम हमने लिया है मूंगफली, तो इसमें हम खूब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो मूंगफली बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी बचे हुए तेल में 8 से 10 काजू, ढेर सारे तल मखाने, इसे भी हम इसमें 1 मिनट के लिए खूब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसी बचे हुए तेल में हमने 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए आलू, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें व्रत में खाने वाला सेंधा नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे, इससे जो आलू है बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो आलू बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी में हम 2 चम्मच मूंगफली का तेल और डालेंगे, 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। और इसमें देखिए, हमने साबूदाने को अच्छे से पानी में 1/2 घंटे के लिए भिगो दिए थे, बहुत ही अच्छे से भीग गया है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। और इधर देखिए, हम तल मखाने, काजू, मूंगफली अच्छे से रोस्ट करके रख लिया है, और इसे भी अच्छे से हम पका लिए हैं साबूदाने। साबूदाने को अच्छे से हमने पका लिया है, इसे 3 मिनट लगभग पकाए हैं। तो इसमें हम जो तल मखाने, मूंगफली, काजू और हमने फ्राई किया हुआ आलू रखा है, तो इसमें हम डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, आलू भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, जो भी थोड़े बहुत कसर थे तो साबूदाने के साथ अच्छे से पक गए। तो इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। तो लीजिए, फटाफट हो गया साबूदाने का नमकीन बनकर रेडी। तो आप सब एक बार इसे नवरात्र में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।